ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نیو اسٹک، ایکسائٹیڈ ٹو لسن؟ سو بسم اللہ، ریسس کا ٹائم ہے، سب بچے لنچ کر رہے ہیں، سارا اور ان کا گروپ بھی لنچ کے لیے آتے ہیں، اتنے میں سارا کیا کہہ رہے ہیں، چلیے سنتے ہیں۔ گائز سنو، تمہیں پتا ہے کل کیا ہے؟ अरे अल्लाह, हेलोवीन पार्टी है यारो, अपन भी करेंगे, बहुत मजा करेंगे। तुम्हें पता है मेरे कजिन्स ने इस बार हेलोवीन पार्टी इतनी मस्त सेलिब्रेट की है ना, और मुझे उनके सारे फोटोज भेजे हैं। अपन सब भी सेम वैसा ही सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाँ करेंगे, लेकिन कहाँ? मेरे घर पे। ठीक है, पूछना पड़ेगा डैडी से। हया, तुम क्या बोलते हो, क्या करेंगे? मेरे को तो यही नहीं मालूम हेलोवीन पार्टी में करते क्या। अरे हया, भूत बन के आते। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है उसमें। पता है आपको, मस्त हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहनते, डांस करते, कैंडीज जला खाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, और पूरा हेलोवीन टाइप का सेटअप करते, पूरा रूम डार्क कर देते, इतना मजा आता है ना। अच्छा, लेकिन मेरे को अंधेरे से डर लगता है जी। कभी अंधेरा नहीं रहता है, हया आओ ना, मजा आती। ओके ठीक है, मैं तो पार्टी के लिए कैंडी दिलाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं लाइट्स लाती हूँ, मैं गेम्स और हेलोवीन स्पेशल सीरीज लाऊंगी। ओके, बड़ा मजा आएगा, क्यों ना हम पूरी क्लास को इनवाइट कर लें। यस, सबको इनवाइट करेंगे। यस, सबके साथ फुल मस्ती और मजाक करेंगे। रिसेस टाइम खत्म हो जाता है और सारे बच्चे क्लास में वापस आ जाते हैं। अब सारा एंड उनका ग्रुप पूरी क्लास को इनवाइट करते हैं हेलोवीन पार्टी के लिए। हया, सारा के घर कल हेलोवीन पार्टी है, आप आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी आ रही हूँ, बहुत मजा आने वाला है। और यू नो, सारा ने सबको हेलोवीन टैटूज दिए हैं कल पार्टी में लगा के आने को, देखो। वाओ, ये तो कूल है, बताओ मैं भी लगाती हूँ। हिबा हया के फेस पे टैटू लगाते हैं। उसी वक्त क्लास में टीचर एंटर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हिबा हया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? मैम, ये हमें सारा ने दिए हैं, उनके घर कल पार्टी है ना, तो उन्होंने हमें ये लगाकर आने के लिए कहा है। सारा बेटे, आप पार्टी दे रहे अपने फ्रेंड्स को? यस मैम, हेलोवीन पार्टी। अच्छा, ये बताइए हेलोवीन किसका फेस्टिवल है? नॉन मुस्लिम्स का। फिर क्या हम नॉन मुस्लिम्स हैं? नो मैम। और मैम, हम कोई हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस हम पार्टी कर रहे हैं। क्या हम पार्टी भी नहीं कर सकते? बेटे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने को और पार्टी करने को इस्लाम कभी मना नहीं करता, बस हमें इस्लाम के लिमिट्स में रहना चाहिए। आप किसी और दिन अलग अंदाज में भी पार्टी कर सकते हैं ना। ये बताइए हेलोवीन पार्टी में क्या क्या होता है? मैम, गोस्ट वाले कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। और वो लोग ये सब क्यों करते हैं पता है आपको? एंजॉय करने के लिए मैम। नहीं बेटे, एंजॉय करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उनका मेन मकसद वर्शिप होता है। उसमें लोग लाइट यानी समर के जाने को और डार्कनेस यानी विंटर के आने को सेलिब्रेट करते थे। उसमें उनके प्रीस्ट बॉनफायर जलाते थे और उसमें क्रॉप्स एंड एनिमल्स को डेविल के लिए सैक्रिफाइस करते थे, और फिर एनिमल के हेड्स एंड उनके स्किन्स पहनते थे एज कॉस्ट्यूम्स। हमें तो पता ही नहीं था। तो अब पता चला कि ये किस फेस्टिवल पर पूरी शैतानियत पर बेस्ड है। फिर तो हमें बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अच्छा मैम, हम दिवाली, उत्तरायण, क्रिसमस और न्यू ईयर से सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। और मैम, हम लोग कॉस्ट्यूम्स तो पहन सकते हैं ना, टैटूस तो लगा सकते हैं ना। नहीं बेटा, आपने हदीस सुनी ना, वो मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मतलब क्या है इसका? अगर हम उनकी कॉपी करेंगे तो हम उन्हीं में कहलाए जाएंगे ना, समझे आप? यस मैम। ठीक है, फिर अब कौन कौन सेलिब्रेट करने वाले हैं भाई हेलोवीन, करेंगे आप लोग? नो मैम।
गुड, इंशाल्लाह। तो देखा बच्चों आपने, मैम ने कितनी अच्छी हदीस बताई ना, जो जिस कॉम को फॉलो करेंगे वो उन्हीं उन्हीं में से होंगे। तो फिर आप लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करेंगे? मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ना। तो ठीक है बच्चों, आपके लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और न्यू अमेजिंग स्किट के साथ।